वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गाइज। सो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मेकअप ट्यूटोरियल। आप देख सकते हैं मेरी जो ब्राइड है, इनका नाम है उपासना, कितना प्यारा सा डॉल लुक आया है इनके लिए। मुझे बहुत लोग कहते रहते हैं कि मैम आप जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आइए, एंड पिछली वीडियो में भी किसी ने कमेंट किया था कि आप एक हफ्ते में एक नहीं दो ट्यूटोरियल्स लेकर आइए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूँ। हमारे पास ब्राइड्स के ट्यूटोरियल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं लेकिन हम डाल नहीं पाते क्योंकि हमें एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है और बोरिंग भी लगता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं अपनी ऑडियंस की इच्छा पूरी करूँगी और मैं फाइनली एक ट्यूटोरियल लेकर आ गई हूँ आपके लिए। ये जो मेरी ब्राइड है, ये मेरी वैलेंटाइन ब्राइड है क्योंकि इनकी शादी थी 14 फरवरी को। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। मेरी जो ब्राइड थी उनकी स्किन थी कॉम्बिनेशन, एंड येस आप सोच रहे होंगे मैंने क्या किया, प्राइमर के बाद सीधा फाउंडेशन। गाइस गलती से मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी। आप सभी जानते हैं कि मेरे पास और कोई असिस्टेंट तो है नहीं, है ना, तो कभी कभी भूल जाते हैं हम, मेकअप के रिदम में इतना खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि भाई हमने ऑन किया है कैमरा कि नहीं। जब तक मुझे याद आया था तब तक करेक्शन हो चुका था और फाउंडेशन भी लग चुका था, लेकिन ब्लेंडिंग हमने दिखा दी आपको। और उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये कंटूर। अब आप सोचेंगे मैंने कौन सा कंटूर यूज़ किया है, तो ये मेरा एक बहुत ही पुराना पैलेट है, नायका का था, ये नायका ही ब्रांड का ही मैंने पैलेट यूज़ किया है। इसमें बहुत अलग अलग कलर्स थे लेकिन ये कंटूर के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, मैंने इसको यूज़ किया। आप जानते ही होंगे अगर पिछले वीडियो आपने देखी होगी कि मुझे फेंटी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी एक बहुत ही प्यारी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे बताया था उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, तो आई विल श्योरली यूज़ दैट टेक्निक। अभी आप देख सकते हैं कंटूर किया है और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर मैंने पहले यूज़ किया था टार्ट और उसके ऊपर हल्का सा टू फेस लगाया है शेड को थोड़ा सा यू नो बैलेंस करने के लिए। अराउंड द माउथ मैं ज़्यादा फाउंडेशन या कंसीलर नहीं लगाती हूँ, आप देखते हैं ये चीज़ हर बार। बहुत बार मैंने अलग अलग आर्टिस्ट का मेकअप देखा है, वो अराउंड द माउथ काफ़ी भर भर के कंसीलर लगाते हैं गाइस, बट इन रियलिटी ना फिर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, बहुत क्रैक आने लग जाते हैं और पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा है क्योंकि अराउंड द माउथ एरियाज़ में सबसे ज़्यादा क्रीजिंग होती है। हम बहुत बोलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको उसी एरिया में आती होगी। अगर आप इस चीज़ को अग्री करते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बोलिए येस वी अग्री विथ यू। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आती है कि अराउंड द माउथ आपकी स्माइल लाइन बहुत आती है या फिर बहुत ही ज़्यादा केक्ड अप लगता है, बहुत हैवी लुक आता है, सो जल्दी से कमेंट कीजिए। अब मैं कर रही हूँ टिंट। टिंट मैंने यूज़ किया है रिकोट का, ये मुझे बहुत पसंद है, क्रीमी टिंट है ये। और अगर आपके पास क्रीमी टिंट नहीं है आप लिक्विड टिंट भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम कर रहे हैं पाउडर सेटिंग। आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैं पाउडर सेटिंग कैसे करती हूँ, लो जी दिखा दिया आपको। ब्लेंडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो वही ब्लेंडर है, सेम वही ब्लेंडर है जिससे मैंने फाउंडेशन कंसीलर एंड एवरीथिंग आई हैव ब्लेंडेड। अलग ब्लेंडर लेने की आपको कोई ऐसी नीड नहीं है। ब्लेंडर लिया है, पाउडर लिया है और उसको अच्छे से लगा दिया है। और बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि जो आपका क्लाइंट है वो ऊपर ही देखे, और जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो मैंने हटा दिया। एक बार सेट जब हो जाता है मेकअप उसके बाद आप बेकिंग बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बेक भी किया है आप देख सकते हैं, ताकि थोड़ा अंडर आइज ब्राइट हो जाए। और ये स्टेप कोई कंपलसरी नहीं है बट आजकल मैं ये कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लेंड किया है और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट जो आईब्रो पोमेड पाउडर है मेरा वेट एंड वाइल्ड का, फॉर आईब्रोज़ की फिनिशिंग के लिए। और इनकी आईब्रोज थोड़ी लाइट हैं आप देख सकते हैं, तो उसको अच्छी से फिनिशिंग देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड आईब्रोज हो चुकी हैं, कंसीलर लगा रहे हैं आईलेट में ताकि अच्छी से फिनिशिंग आ सके आई मेकअप में। मेरी जो ब्राइड थी उनकी जो आईज थी वो काफ़ी हुडेड थी, जब ओपन करेंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी हुडेड थी, और उनकी कोई ऐसी डिमांड भी नहीं थी कि आईज कैसी होनी चाहिए, बट येस शी वॉन्टेड अ वेरी सटल मेकअप। उन्होंने फाउंडेशन कंसीलर के लिए भी यही बोला था कि मेरा हैवी ना लगे, केक्ड अप ना लगे। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा सा शिमरी लुक दूँ, ग्लिटर्स अवॉइड करते हैं। मैंने पहले ब्राउन आई शेडो लिया, उसको अच्छे से ब्लेंड किया है आप देख सकते हैं, और उसके बाद मैंने शिमर लिया है। एंड शिमर को लगाने के बाद मैं इसे अच्छे से फिंगर्स से ही मतलब लगा रही हूँ, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं बट फिंगर्स से मुझे अच्छा लगता है ब्लेंड करना। और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा तो मैं लगाऊंगी ब्लश। ब्लश मैंने यूज़ किया है अपना फेवरेट फ्रॉम मैक पीचेस, और कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं आप इसके एप्लीकेशन के लिए।
सो गाइज अब मैं लगा रही हूँ कलर एसेंस का ब्रॉन्जर. आप कोई भी ले सकते हैं, पर मेरे पास ये पड़ा हुआ है कि मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इट इज़ वेरी लाइक इन एक्सपेंसिव चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट है. सो आप ये यूज़ कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग. गाइज पिछली वीडियो में मुझे बहुत प्यार मिला है, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में भी बहुत मुझे प्यार देंगे. अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर. हाइलाइटर जो मैंने अभी यूज़ किया है वो है मैक का. एंड अगर आप शेड जाना चाहते हैं कि मैं कौन सा हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ तो जल्दी से कमेंट करके पूछिए. गाइज आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हों. सो प्लीज़ शावर लॉट ऑफ लव एंड क्वेश्चंस पूछिए. बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके रिप्लाइज दूँ. एंड कोई भी क्वेरी है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर क्वेश्चन को रिप्लाई करूँ आपके. अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एक ब्लश पैलेट है. आपको अगर पता है कि मैं कौन सा ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ तो जल्दी से कमेंट करके बताइए. ये एक नया पैलेट है, मैंने परचेज़ किया है, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे. सो लैशेज़ आप देख सकते हैं मैं उनको लगा चुकी हूँ. मैंने हल्का सा नीचे स्मच कर रहा है ये आई शेडो पाउडर, क्योंकि काजल वो लगाती नहीं है तो काजल हम लगा नहीं सकते. एंड बिना आई शेडो स्मच की आईज जो है वो बहुत ही इनकम्प्लीट लगेंगी. सो हल्का सा डार्क आई शेडो लगाया है, उसको स्मच किया था. एंड लेंसेज आप मुझसे पूछते हैं हर बार कि मैं कौन से लेंस यूज़ करती हूँ. देखिए मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके के ब्रांड्स हैं, अलग अलग शेड्स हैं, बट दिस वन विच आई हैव यूज्ड इज़ फ्रेश लुक. अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा. मस्कारा इज़ फ्रॉम माई फेवरेट ब्रांड मेबेलिन. ये मुझे बहुत पसंद है और इसको मैं अच्छे से लगा रही हूँ. आप देख सकते हैं मेरी जो ब्राइड है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. मतलब सटल लग रहा है बट स्टिल शी इज़ लुकिंग लाइक अ ब्राइड. बहुत हैवी लुक भी नहीं आया गाइस, आप देख सकते हो केक्ड अप इफेक्ट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. और उनको अपनी आईज़ भी थोड़ी इन्हांस चाहिए थी, इन्हांस भी हो गई है. लास्ट में आप देखना मैं न्यूट काजल लगाऊंगी, मैंने वो भी लगाया था लास्ट में. और वो इसलिए लगाया था ताकि उनका जो आईज़ है वो और पॉप्ड आउट लगे, और लग भी रही थी, बिल्कुल बार्बी लुक आ रहा था. वो जैसे ही काजल लगाया गाइस उसकी वजह से उनकी आंखें ना बहुत बार्बी लुक दे रही थी. सो आई एम ग्लैड कि मैंने वो यूज़ किया. मेरी जो ब्राइड की इच्छा थी कि उनको जो लिप्स चाहिए वो सटल तो नहीं चाहिए उतने, बट मीडियम तक चाहिए. एंड शी वांटेड कलर. सो ऑब्वियसली पिंक ड्रेस है तो रेड तो लगाएंगे नहीं, तो पिंक ही लगाया. पहले मैंने सोचा लाइट से शुरू करते हैं, लगेगा तो डार्क लगा लेंगे बाद में, लेकिन ये लाइट ही इन पर इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे को डार्क करने की नीड ही नहीं पड़ी. बिकॉज देखिए गाइस अगर लिपस्टिक डार्क हो जाएगी ना, फिर जो लोगों को लाइट मेकअप चाहिए होता है ना, फिर वो लाइट लगता नहीं है, फिर वो लगता है कि वो हैवी हुआ है. आप देख सकते हैं अभी लाइट चल रही थी बट स्टिल उनकी स्किन कितनी अच्छी ग्लो कर रही है, उनका फोरहेड कितना ग्लो कर रहा है, उनका चिन एरिया कितना ग्लो कर रहा है. मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है उनका लुक. दिस इज द फाइनल लुक गाइस. आई होप यू एंजॉयड माय ट्यूटोरियल. अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं अगली वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊँ. एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय, लव यू ऑल.